सबसे पहले तो अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा रखें, आप विश्वास रखें, हैव द कॉन्फिडेंस अपॉन द योर एलिजिबिलिटी, योर क्वालिटी समय। और उसके अतिरिक्त जैसा मैंने पहले भी बताया कि पेपर में जो है तीन प्रकार के क्वेश्चंस है वो रहेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे वो हर कैंडिडेट कर देगा, कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन रहेंगे जो जिनकी ठीक ठाक तैयारी वो कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो 30% है वो टफ क्वेश्चन रहेंगे, वो केवल वही लोग कर पाएंगे जिनकी बहुत अच्छी है वो तैयारी। तो इसलिए जो है वो बैलेंस बना के चलना है आप लोगों को, और जिनकी लॉन्ग प्रिपरेशन है पिछले 3 साल से वो कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, MCQs निकाल लिए, डायरेक्ट पे उनकी बहुत बढ़िया वो कमांड हो गई है, वो सभी लोग कॉन्फिडेंट रहे कि उनका पेपर बहुत अच्छा है वो जाएगा। अब हाई कोर्ट के डायरेक्शंस की आपको पालना करनी है, चाहे ड्रेस कोड है, चाहे साथ में ले जाने वाली चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड ओरिजिनल है आपका, आधार कार्ड की कॉपी है, फोटो है, जो कुछ भी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं एग्जाम के लिए, वो सभी आपको है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर या नहीं होनी चाहिए। टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें आप, JLO के एग्जाम में और पिछले कुछ एग्जामों में मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बच्चे टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण जो है वो परीक्षा नहीं दे पाए। तो जो कुछ भी टाइम निर्धारित किया हाईकोर्ट ने, लाइक 9 बजे का मान लो आपको कॉल किया गया है, तो आपको 8:30 पहुंचना है, उससे भी आधा घंटा पहले है वो आपको परीक्षा जो जहां आपकी होनी है वहां है वो पहुंचना है। स्पेशली जो लॉन्ग ड्यूरेशन से आने वाले जो स्टूडेंट्स है वो आज रात में यात्रा है वो न करके टाइम पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि कल सुबह है वो 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, ऐसा न करें। वो कैसे भी करके व्हीकल जो भी उपलब्ध है उनके पास, प्राइवेट या ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है, वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले है वो पहुंच जाए, कहीं ट्रेन लेट हो जाए, कहीं बस कोई खराब हो जाए, इस कारण से हम परीक्षा देने से वंचित न रहे। तो इस बात का है वो पूर्ण रूप से आपको है वो स्ट्रिक्टली है वो ध्यान रखना है हर कैंडिडेट को अपने पार्ट पे। अब परीक्षा देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हर प्रश्न आपको प्रॉपरली पढ़ना है, हर प्रश्न के साथ दिए गए ऑप्शंस आपको प्रॉपरली है वो पढ़ने हैं, और उसके बाद जो है वो आपने जो पढ़ रखा है उसके आधार पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उस पर कोई डॉट या इस तरीके का कोई मार्क है वो कर दे, ताकि आपको पता रहे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ये है, ये बोला करते समय आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। बहुत ज्यादा लंबे लंबे क्लिक ना करें आप, कोई डॉट लगाए वगैरह, ऐसा शॉर्ट में जो है वो केवल आपको है वो पता हो कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या है। गोले उचित रूप से है वो भरे आप, गोले भरने में कोई गलती है वो ना हो, ऐसा नहीं कि गोला जो है वो प्रश्न संख्या 2 का भरना था और आप 3 में भर रहे हो, या बी वाला गोला भरना था, सेकंड गोला भरना था और आप 3 पर है वो भर रहे हैं। कंसंट्रेशन रखना है आपको गोला भरने के वो समय, क्योंकि JLO का एग्जाम जो अभी मैंने दिया था तो मैंने खुद ने जो है वो 2 से 3 गोले जो है वो चारों पेपर में गलत कर दिए, बहुत कंसंट्रेशन, बहुत जो है वो उस एकाग्रता के बावजूद भी, तो इसलिए ऐसी गलतियां वो होगी, बट मिनिमाइज करनी है आपको, कम से कम है वो गलती करनी है आपको, इस बात का पूरा है वो ध्यान रखना है। जिन प्रश्नों के उत्तर आप है वो फर्स्ट है वो आपने जब है वो देखे उनमें और पहुंच गए उत्तर तक, उनके गोले आप प्रायोरिटी में भरे, और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं उनमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन है वो अटेंड करने, उनको बाद में करने आपको, और उसमें कोई लॉजिकली आप सही कर सकते हो तो वो लॉजिक के साथ ऑप्शन भरे, और जिन प्रश्नों में आप बिल्कुल है वो ब्लैंक हो रखे हो तो उस एक मेरी जो पद्धति है उसमें बी या सी में से कोई एक ऑप्शन, मान लो 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, आप 100 में बी भर दें या 10 में सी भर लें, ये आपका विवेक है, ये फॉलो करना जरूरी नहीं, ये मेरा सजेशन या सलाह है, आप फॉलो कर भी सकते हो और ना भी करें, जिनको ठीक लगे वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मेरा मानना ऐसा है कि वो बी वाले है वो निकल जाएंगे और वो आपका जो है वो नंबर का ग्राफ है वो आगे बढ़ा सकता है। पेरेंट्स का आशीर्वाद जब वो प्राप्त करें आप परीक्षा देने जाए उससे पहले, नकारात्मक जो बातें, नेगेटिव जितनी भी चीजें मार्केट में चल रही है एग्जाम को लेके, उस पर विचार नहीं करना है,
कोई ये कह रहा है कि साहब उसके पास पेपर अवेलेबल है, बिल्कुल भी उस बात पर विचार है वो नहीं करना है, या उनके तो सेटिंग है और उनके नंबर है वो हाई आ जाएंगे, वो उनके अब वो बच्चे हैं या उनके फैमिली मेंबर्स है इसलिए उनका तो है वो तय है और हमारा कहाँ होना है, इन सब बातों पर विचार है वो नहीं करना है। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और एग्जाम में बेटर है वो परफॉर्म करके आना है आपको। कुछ ख्याल जो है लास्ट मोमेंट पे आते हैं कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, या मुझे कुछ याद भी है या नहीं, कल याद आएगा या नहीं परीक्षा हॉल में, इन सभी बातों पर भी अब वो विचार है वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है इनसे, जो है ये सब बातें आती है। इवन जो टॉप करने वाला कैंडिडेट होता है उसको भी अब वो ऐसा लगता है कि पता नहीं उसका है वो प्रीलिम्स भी होगा या नहीं, मेंस की स्टेज आएगी तब मेंस में भी उसको यही फीलिंग आएगी होगा या नहीं, और इंटरव्यू होने के बाद वो है वो टॉप कर जाते हैं। तो इसलिए जो है इस तरीके की बातें हैं वो आती है, और जब तैयारी अच्छी होती है तो चिंताएं भी है वो बढ़ जाती है, बट आपको उसमें भी मिनिमाइज है वो करना है, प्रभावित नहीं होना है इन सब चीजों से, विश्वास रखना है कि मैंने पढ़ा है और परीक्षा हॉल में मुझे है वो रिकॉल हो जाएगा, मुझे याद आ जाएगा और मैं मेरा पेपर है वो अच्छे से करके आ जाऊंगा। नींद आज की नाइट में प्रॉपर लेनी है आप लोगों को, कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। यदि आप प्रॉपर रूप से वो नहीं सोए, नींद आपकी प्रॉपर नहीं हुई, तो आप ये मान लो कि 2-4 प्रश्न आपके हाथ से निकलेंगे, आपका पेपर थोड़ा प्रभावित होगा नींद कंप्लीट नहीं होने के कारण। और यदि आपकी नींद कंप्लीट हो गई तो आप फ्रेश एनर्जी के साथ वो एग्जाम देंगे और उसमें आप बेटर वो परफॉर्म कर जाएंगे। तो कोई भी कैंडिडेट पूरी रात वो न जगे, कम से कम 5-6 घंटे की नींद वो ले और नींद लेने के बाद जो वो प्रॉपर वो एग्जाम देने जाए। इन सभी बातों को वो ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट देवता या जिस किसी को भी आप वो मानते हैं उनको याद करते हुए पेरेंट्स का आशीर्वाद वो लेके और परीक्षा देने जाना है और सफलता का बिगुल वो बजा के वो आना है। बहुत अच्छे मार्क्स से जो वो आपको प्रीलिम्स वो क्लियर करना है और आगे मेंस एग्जाम वो देना है। केडी एडवांस लो क्लासेस संस्थान की तरफ से जो है अरुण पारिक सर ने पहले ही आप लोगों को शुभकामनाएं वो दे दी है कल के एग्जाम के लिए। मैं पुनः जो है केडी चारण इस संस्थान का जो है वो ओनर और निदेशक है वो होने के नाते आप सभी को शुभकामनाएं वो प्रेषित करता हूं कि कल आपका पेपर है वो बहुत अच्छा हो और आप लोग जो है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत अच्छे वो मार्क्स के साथ अपना वो प्रीलिम्स वो क्लियर करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमोरोज एग्जाम। आप सभी को जो है वो कल की परीक्षा के लिए पुनः जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं है वो आप बहुत अच्छा है वो परफॉर्म करें पेपर के अंदर। ऑल द बेस्ट।